देखो अभी हमने पढ़ा यहाँ पर मशीन और रेट में स्टैंडिंग चार्जेस कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो स्टैंडिंग चार्जेस को एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या क्या होते हैं। रेंट है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस हैं अकॉर्डिंग टू फ्लोर एरिया, ठीक। उसके बाद लाइटनिंग है, हीटिंग है, उसमें क्या बताया मैंने कि रेशो ऑफ लाइट पॉइंट्स, नंबर ऑफ बल्ब्स, वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड फ्लोर एरिया। उसके बाद है सुपरवाइजर चार्जेस। सुपरवाइजर चार्जेस क्या है कि जितना टाइम डिवोट किया जा रहा है सुपरवाइजर के थ्रू उसके अकॉर्डिंग हम उसको लेते हैं। मशीन इंश्योरेंस, वैल्यू ऑफ द एसेट, लुब्रिकेंट कॉटन वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स, जनरल एक्सपेंसेस इक्वली डिवाइडेड। ये हमारे स्टैंडिंग चार्जेस हैं। स्टैंडिंग चार्जेस में मेनली तो हमारे यही रहते हैं, रेंट है, लाइटनिंग है, सुपरवाइजर सैलरी है और इंश्योरेंस है, एक्स्ट्रा जितने भी होंगे अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, राइट। अब हम आते हैं रनिंग एक्सपेंसेस पर। रनिंग चार्जेस नंबर वन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन रनिंग एक्सपेंसेस, हमारी मशीनरी चल रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, जितना ज़्यादा चलेगी उतनी ज़्यादा डेप्रिशिएट होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम डेप्रिशिएशन को रनिंग एक्सपेंसेस लेते हैं। तो डेप्रिशिएशन का बेसिक फॉर्मूला है कॉस्ट, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। लेकिन हमें क्या करना है, रनिंग एक्सपेंसेस हम डायरेक्टली एक ही घंटे का निकालते हैं, डायरेक्टली हम वन आवर का ही निकालते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस हमने टोटल निकाले, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस को फिर हमने वन आवर के लिए डिवाइड किया 2000 से, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस को ऐड किया, डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स, जितने बेस पीरियड में हम उसको वर्किंग आवर्स को ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने उसका एक घंटे का रेट निकाला। डेप्रिसिएशन का बेसिक फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टाइम। हमें एक घंटे का निकालना है, ठीक है। इसकी जगह हम क्या करें, एस्टिमेटेड वर्किंग वर्किंग आवर्स इन लाइफ, इन होल लाइफ, अगर हम करें इस बात को कि होल लाइफ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स इन होल लाइफ, पूरी लाइफ में वो कितने घंटे उसने रन किए। कैसे निकालेंगे ये देखो, डेप्रिसिएशन उसने कहा कि कॉस्ट ऑफ द एसेट, हमारी मशीनरी की कॉस्ट 10,000 रुपीज है, सपोज स्क्रैप वैल्यू 1,000 रुपीज है, एस्टिमेटेड लाइफ 15 ईयर्स है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक। कॉस्ट है 10,000, स्क्रैप वैल्यू है 1,000, एस्टिमेटेड लाइफ है 15 ईयर्स। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स इन ऑल लाइफ, राइट। तो हम क्या करें, 50 × 2,000, क्योंकि हमने एक साल में वर्किंग आवर्स, एक साल हमारा बेस पीरियड था, हमने वर्किंग आवर्स लिए थे 2,000 आवर्स, तो हमारा टोटल ये वर्किंग आवर्स में लाइफ आ जाएगी। क्लियर हो गया। कॉस्ट 10,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय 2,000 मल्टीप्लाई बाय 15, डेप्रिसिएशन की एक घंटे का वेट आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही अगर हम करें कि रनिंग एक्सपेंसेस में रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रनिंग एक्सपेंसेस में रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में हमें उसने कहा कि सपोज 2,000 रुपीज उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस आया एक साल में, अगर वन ईयर का दिया हुआ है कि सपोज 2,000 रिपेयर मेंटेनेंस है तो डिवाइडेड बाय 2,000, क्योंकि एक साल में वर्किंग आवर्स हमारे 2,000 ही है, तो कितना रुपया आ गया, एक रुपया हमारा रिपेयर मेंटेनेंस एक घंटे का रेट आ गया, ठीक। अगर उसने होल लाइफ का दे दिया कि रिपेयर मेंटेनेंस पूरी लाइफ के उसके इतने हैं, तो जैसे हमने ये होल लाइफ के वर्किंग आवर्स निकाले ऐसे ही इसके वर्किंग आवर्स निकाले। उसके बाद है पावर, जैसे मैंने आपका एक्टिवा का एग्जाम्पल लिया कि एक्टिवा आप जितने किलोमीटर लेकर के जाएंगे उतना ही आपका पेट्रोल कंज्यूम होगा, ऐसे ही पावर जितनी हमारी मशीनरी चलेगी उसके अकॉर्डिंग उतना ही पावर वो यूनिट्स कंज्यूम करेगा। जैसे हम कह रहे थे ना घर में कि एसी चल रहा है हमारा, एसी एक घंटे में
10 यूनिट्स ले रहा है और एक यूनिट का रेट 10 रुपीज है सपोज, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी कॉस्ट निकाल देते हैं एक घंटे। ऐसे ही पाल है 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं वो एक घंटे में और एक यूनिट का रेट सपोज 10 पैसा पर यूनिट, 10 पैसा पर यूनिट पाल का रेट है। एक घंटे में हमारी मशीनरी 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रही है तो पाल का हमारा एक घंटे का रेट निकल जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये है हमारे रनिंग चार्जेस, ये है हमारे रनिंग चार्जेस, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड पार्ट, राइट। अब मशीन और रेट का फॉर्मेट कैसे बनेगा? मशीन और रेट का फॉर्मेट एक पर्टिकुलर बनेगा, दो कॉलम्स बनेंगे, पर आर निकालेंगे और टोटल टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। स्टैंडिंग चार्जेस एंड रनिंग चार्जेस, बेस पीरियड उसी के अकॉर्डिंग वर्किंग आवर्स, इसके बिना तो क्वेश्चन होगा ही। स्टैंडिंग चार्जेस में रेंट अकॉर्डिंग टू फ्लोर एरिया, लाइटनिंग जो मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं, सुपरवाइजर सैलरी जो मैंने आपको कंडीशन बताई है जितना टाइम डिवोट कर रहा है, इंश्योरेंस, वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड अदर एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, राइट। रनिंग चार्जेस में डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड पार्ट, ये दिया हमने, टोटल आया, राइट, टोटल किया। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स, एक घंटे का रेट निकल गया। डेप्रिसिएशन डायरेक्टली एक घंटे का रेट है, रिपेयर डायरेक्टली एक घंटे का रेट फाइंड करते हैं हम, पार डायरेक्टली एक घंटे का रेट निकालते हैं, ये हमारा क्या आ गया, मशीन आर रेट, एक मशीन का एक घंटे का रेट फाइंड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट मशीन आर रेट का फॉर्मेट। तो इस प्रोसेस से हम मशीन आर रेट, एक घंटे का एक मशीन का रेट फाइंड करते हैं। समझ आया? क्लियर है?